तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बूमरैंग फिल्म के शुरुआती 7 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फिल्म को 7 जून को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था, जहां पे फिल्म अपना एक हफ्ता पूरी तरीके से बॉक्स ऑफिस पे कंप्लीट कर चुकी है। फिल्म बूमरैंग में दोस्तों हमें सुपरस्टार जीत देखने को मिले थे, जहां पे दोस्तों हमें सुपरस्टार जीत जहां एक साइंटिस्ट के किरदार नजर आए थे, तो वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिली थी उनके साथ रुक्मणी मेहता, जहां पे दोस्तों रुक्मणी मेहता का भी डबल रोल हमें इस फिल्म में देखने को मिला। इनके अलावा दोस्तों फिल्म के बाकी कलाकारों का अदाकारी भी ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आई और फिल्म ने अपने शुरुआती 7 दिनों में ही एक अच्छा खासा कलेक्शन हासिल कर लिया है। साथ ही दोस्तों सुपरस्टार जीत की जो पिछली फिल्म में हमें देखने को मिली थी वो थी मानुष और चेंगीज, और इन दोनों फिल्मों से भी ज्यादा पब्लिक रिव्यूज में पसंद फिल्म बूमरैंग को किया जा रहा है। फिलहाल दोस्तों बूमरैंग के कलेक्शंस की बात करें तो फिल्म ने अपने डे 1 पे कलेक्शन किया 60 लाख रुपए, डे 2 पे 70 लाख, तो वहीं डे 3 पे जो फिल्म का कलेक्शन था वो था 80 लाख रुपए। इसी के साथ फिल्म अपने शुरुआती 3 दिनों में ही 2 करोड़ 10 लाख रुपए का वीकेंड कलेक्शन हासिल कर चुकी थी। उसके बाद दोस्तों डे 4 पे मंडे को फिल्म का कलेक्शन रहा 50 लाख, डे 5 पे 45 लाख, तो वहीं डे 6 पे फिल्म ने 35 लाख रुपए का बिजनेस हासिल किया और 6 दिनों में फिल्म बूमरैंग 3 करोड़ 40 लाख रुपए कमा चुकी थी। अब बारी है फिल्म की डे नंबर 7 की, जहां पे फिल्म को आज मॉर्निंग शोज में ऑक्यूपेंसी मिली थी 22%, आफ्टरनून शोज में फिल्म की ऑक्यूपेंसी बढ़ के हुई 28%, तो वहीं इवनिंग और नाइट शोज में फिल्म की ऑक्यूपेंसी 30-35% की देखने को मिल रही है और ये फिल्म आज अपने 7वें दिन लगभग 20 लाख रुपए का कलेक्शन हासिल कर रही है। इसी के साथ अब फिल्म का जो शुरुआती 7 दिनों का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन है वो 3 करोड़ 60 लाख रुपए का हो चुका है, जबकि फिल्म का जो इंडिया ग्रॉस कलेक्शन है वो हो चुका है 4 करोड़ 20 लाख रुपए। वैसे दोस्तों फिल्म बूमरैंग आपने अब तक देखी या नहीं, और यदि देखी तो आपको ये फिल्म कैसी लगी थी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही फिल्म बूमरैंग के डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और इस फिल्म से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए चैनल के साथ, कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही में दिख रहे बेल आइकन को भी दबा दीजिए।